हाँ काकी। अवंतिका बेटा वो दुर्गा घर नहीं पहुंची अभी तक। काकी वो चलकर आ रही होगी, हमको वो स्कूल बस में भी नहीं दिखी और उसके बाद जो बस स्टैंड है वहाँ पर भी हमको नहीं दिखी। शायद उसको देरी हो गई होगी और बस छूट गया। चलते हैं काकी, देर हो रही है। सुनिए, अरे सुन रहे हैं, दुर्गा अभी तक घर नहीं आई और वो अवंतिका बता रही थी कि उसका बस छूट गया है। अरे चल के आ जाएगी। अरे चल कर आती तो अभी तो घर पहुंच जाना चाहिए था ना अभी तक उसको। अपने किसी सहेली के साथ खेल रही होगी, आज उसको काम पे आने का मन नहीं होगा। अरे वक्त देख रहे हैं, इतना देर हो गया है, खाली पेट कितना देर खेलेगी वो। अब जाइए ना, देख के आइए ना। ठीक है, हम जाके देखते हैं, तब तक तू मेरे हिस्से का भी काम खत्म कर देना। हाँ ठीक है, आप जाइए। अरे जाइए ना। बिलासपुर गांव में ज्यादातर लोग खेतों में मजदूरी का काम करते थे। उनके बच्चे सुबह स्कूल जाते और दोपहर में स्कूल से लौटने के बाद अपने माता पिता के साथ मिलकर खेतों में काम किया करते थे। साल 2016 का यह दिन जब लक्ष्मण करिया और राधा करिया की बेटी दुर्गा करिया घर वापस नहीं लौटी। उस दिन स्कूल से जाने वाली वो एक ही बस जो स्कूल के पास से उसके गांव बिलासपुर जाया करती थी, वो बस दुर्गा करिया से छूट गई। अरे चंदू, हमारी बिटिया दुर्गा अभी घर नहीं पहुंची। दुर्गा तो यहाँ से जा चुकी है। हाँ उसको थोड़ी देर हो गई थी लेकिन वो निकल गई। भाई एक बार स्कूल के अंदर जाकर देख लो ना, कहीं मैडम ने तो नहीं रोक लिया उसको। लक्ष्मण भाई हमने उसको यहाँ से जाते हुए देखा। ऐसे होते हुए बस स्टैंड की तरफ गई थी। लेकिन बस तो गांव में आके बहुत पहले जा चुकी है। वो अवंतिका जो यहाँ पढ़ती है ना, उसने बताया कि दुर्गा की बस छूट गई थी। तो हमको नहीं पता लक्ष्मण भाई। हाँ लेकिन इतना पता है कि वो जा चुकी है। हाँ देखे थे हम उसको, बस जाने के आधा पौना घंटा बाद दुर्गा बेटिया यहाँ से गई थी। कितना बजे मुकेश? यही कोई 2:15 बजे होंगे। सवा 2 बजे? हाँ कहाँ? बिटिया अभी घर नहीं पहुंची क्या? ना। अरे देखिए यही कहीं गांव में खेल रही होगी। दिन से ढूंढ ही रहे हैं, ऐसे बैठे हम लोग। वो देखो बोर्ड पे हमारी बेटी दुर्गा ही है ना, इसका फोटो हर जगह भिजवा दिया है। शामपुर, बैरीखेड़ा, साइराबाद शहर में भी भिजवा दिया फोटो। 10 साल की बच्ची है हमारी, 2 दिन हो गए उसको गायब हुए। मुकेश भैया ने कहा था कि उन्होंने दुर्गा को गांव के रास्ते जाते हुए देखा था। हाँ हमको भी यही बताया उस चाय वाले मुकेश ने। अब हवा में से निकाल कर तो नहीं ला सकते ना तुम्हारी दुर्गा को। हमने स्कूल में जाकर भी पूछताछ की थी, बड़े साहब भी साथ में थे। जी हाँ सर, दुर्गा स्कूल आई थी 13 अक्टूबर को, जैसे गांव के और बच्चे आते हैं उनके साथ आई थी और वो स्कूल से गई भी थी। हाँ थोड़ा लेट हो गई थी, ये बात हमारे चौकीदार चंदू ने बताई थी। चंदू ने उसके माँ बाप को भी यही बताया था। लेकिन अभी तक वो घर नहीं लौटी, बच्ची के साथ कुछ दिक्कत था क्या? होगी भी तो स्कूल से रिलेटेड नहीं हो सकती, क्योंकि घर के लिए वो स्कूल से निकली थी। इंस्पेक्टर साहब स्कूल में किसी टीचर ने डांटा वाटा बच्ची को, कुछ होमवर्क वगैरह ना किया उसने? ऐसे डांटेंगे तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो घर जाने की बजाय कहीं और चली जाएगी। पर उस दिन दुर्गा घर तो नहीं पहुंची। अब कितनी बार बताएं साहब, दुर्गा बेटियों की यहाँ से यहाँ इस तरफ गांव की तरफ जाते हुए देखा, घर जाते देखा तो वो लड़की अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? साहब ये हम कैसे बता सकते हैं? उसके पीछे किसी को जाते देखा था? नहीं इतना ध्यान तो नहीं दिया।
इस लड़की के साथ कोई छेड़खानी वगैरह करता था क्या? अब ये हमको कैसे पता होगा साहब, उसके माँ बाप को पता होगा, उनसे पूछिए या गांव में किसी से पूछिए। पूरे गांव वाले पहले ही मिलकर दुर्गा को 13 तारीख की शाम और सारी रात यहां ढूंढ चुके हैं। चल सर, हमने 3 बार पूरा एरिया छान मारा, ना कपड़ा मिला ना स्कूल बैग मिला, कुछ भी नहीं मिला सर। अगर लड़की की लाश होती सर तो दिख जाती। लड़की उधर से मुड़कर इस रास्ते पे आई और इधर से गांव तो 15-20 मिनट की दूरी पर है, बीच में इधर से कैसे गायब हो गई? और गायब हुई तो गई कहाँ? सर मुझे लगता है लड़की गायब हुई नहीं है, गायब करा दी गई। मतलब? लक्ष्मण हम पूरा जोर लगाकर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारी बेटी उस रास्ते तक पहुंचकर वहां से गायब कैसे होगी। और गांव में किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं है तुम्हारी? हमारी कैसे दुश्मनी साहब, दोनों बच्चों को मेहनत मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं। दुर्गा भी स्कूल के बाद ना खेत में काम करने आती थी हमारे साथ। देखो तुम लोगों की हालत देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि किसी ने उसे पैसों के लिए अगवा किया हो। और सर अगर अगवा किया भी होता तो कहीं से तो लेकर जाता उसको, अगर कोई जोर जबरदस्ती हुई होती तो उसके चीखने चिल्लाने की आवाज तो आती है कि नहीं? फिर कहाँ गई हमारी बच्ची? हाँ तुम ही सोचकर बताओ, तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कोई क्यों करेगा? हम तो फिलहाल उसे ढूंढ ही रहे। हम पुलिस पर दबाव बनाएंगे लक्ष्मण, पर एक बात तो सही है, अगर दुर्गा बेटिया के साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई हो तो उसने शोर कैसे नहीं मचाया? अवंतिका, बरखा, अरे स्कूल में कुछ हुआ था क्या? नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, स्कूल में तो कुछ नहीं हुआ, बस सिर्फ दुर्गा को देर हो गई थी और उसकी बस छूट गई। कहा मुकेश, तुमने सही में देखा था दुर्गा गांव के अंदर आते हुए? अरे ये कैसा सवाल है सुनील बाबू, देखे नहीं होते जिस लक्ष्मण को ऐसे ही बता देते का? सरपंच जी हमको तो लगता है ना कि कोई जंगली जानवर उठा ले गया होगा और खा गया होगा। अरे अर्जुन, अगर जंगली जानवर कोई हमला करता तो वहाँ स्कूल का बस्ता कपड़ा कुछ तो मिलता। घर में कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ था लक्ष्मण? कैसा झगड़ा? हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ था, और ऐसा कैसा झगड़ा कि वो आधे रास्ते से घर न पहुंचे? अब पुलिस वाले भी बार बार हमें पे दबाव डाल रहे कि हमारी दुर्गा खुद ही कहीं भाग गई। अरे 10 साल की बच्ची है, अपनी मर्जी से कहीं कहीं जाएगी? सरपंच जी हमको तो लगता है अपने गांव का ही कोई है जिसने कुछ किया है। लो कर लो बात, दर्पण जी गांव की बच्ची गायब हुई है और ये अनिल रेवारी गांव के लोगों पे ही उंगली उठा रहा है। लोकेश तू गांव के लोगों को शहर ले जाकर मजदूरी का काम दिलवाता है, तूने तो कोई दुर्गा के साथ ऐसा वैसा का मतलब? दर्पण जी आप हम पे शक कर रहे हैं? अरे जिसको काम की जरूरत होती है उसको हम मजदूरी का काम दिलाते हैं, काम नहीं रहता है ना तो लोकेश लोकेश है किसी की बच्ची को जबरदस्ती उठा के काम पे लगाए हैं क्या आज तक? हाँ तो कर सकते हो ना तुम ऐसा, तो जाके बता दो ना पुलिस को। हम लोग आपस में ऐसे ही लड़ेंगे झगड़ेंगे तो पुलिस खाक ढूंढेगी बच्ची को। अरे हमारी बच्ची लापता हुई है, कल सब इकट्ठा होकर के थाने चलते हैं और एकजुट होकर के पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हैं दुर्गा को ढूंढने का। है? सही बोल रहे हैं आप। वहां गांव में हर घर में दिवाली मनाई जा रही थी, हर घर दिए से सजा हुआ था, पटाखे फूट रहे थे। गांव के हर घर के बाहर रंगोलियां बन रही थी, लेकिन दुर्गा के घर एक उदासी भरा अंधेरा छाया था। क्या बोले पुलिस वाले, कुछ पता चला दुर्गा का? वही बात राधा,
कि ढूंढ रहे हैं उसको। अरे दो हफ्ते से ढूंढ ही रहे हैं। माँ, दुर्गा दीदी कहीं भाग तो नहीं गए? कहाँ भाग गई राजू? कुछ बताया था वो तुमको? नहीं। फिर काहे बोल रहा है ऐसे? लक्ष्मण, ये बता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने अपनी बेटी को कहीं भेज दिया हो? क्या बेटी की बात कर रहे हैं आप? अब आप हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं? तेरी बेटी बिना शोर किए गायब हो गई, कोई जोर जबरदस्ती हुई नहीं उसके साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने ही उसके साथ कुछ किया हो? क्या बोल रहे हैं आप? है हमला क्यों? ताले तूने ही कुछ किया उसके साथ और यहाँ आके छोटी कंप्लेन लिखवा रहा है? ढूंढ नहीं पा रहे हो हमारी बच्ची को तो किसी पे कुछ भी इल्जाम लगाओगे? ढूंढ नहीं पा रहे हैं क्योंकि तूने ही उसके साथ कुछ किया है, तूने ही कहीं से गायब करवाया है। आप हमारी बच्ची को ढूंढ नहीं पा रहे हो और अपनी नाकामी छुपाने के लिए जिस पर जो मर्जी इल्जाम लगाओगे। अरे हमारी बच्ची है वो। ए लता, हम सुने हैं पुलिस कह रही है कि दुर्गा को उसके पापू ने गायब करवाया है। खा? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? और लक्ष्मण भैया ऐसा काहे करेंगे? क्या मालूम। अच्छा, हम तो ये भी सुने हैं कि वो जो लोकेश है ना। कौन लोकेश? अरे वही लोकेश जो लोगों को शहर में काम दिलवाता है। हाँ। उसी लोकेश ने दुर्गा को कहीं भेज दिया होगा। ए मुकेश, बाबू थोड़ा मलाई मार के बढ़िया चाय बनाओ तो। आपकी मलाई वाली चाय बनाते हैं? वो जो अपना चाय वाला ना मुकेश, वो भी झूठ बोल रहा है। अर्जुन बता रहा था हमको। कहा भाई अर्जुन, तुमको बहुत कुछ पता है कि दुर्गा कैसे गायब हुई? हाँ सुनील भाई, हम तो सुने सब मिली भगत है। मतलब दुर्गा के बाप लक्ष्मण की? हाँ, हम तो ऐसा भी सुने हैं कि लोकेश के साथ मिलकर ना अपनी बेटी को कहीं काम पे लगा दिया है और बैठ के अभी नाटक कर रहा है। आप देखिए, हमको पक्का तो खबर नहीं है लेकिन जो भी हम सुने हैं वही बता रहे हैं बस। अबे जब तुमको पक्का पता नहीं है तो ढिंडोरा क्या पीट रहे? एक तो लड़की गायब है और पुलिस कुछ कर नहीं रही है और तुम पूरे गाँव भर में घूम घूम के ना झूठी अफवाह फैला रहे हो। साले दिमाग सही रखो, नहीं बाबूजी इसके ना तुमको गाँव के बाहर ही करवा देंगे। अरे नहीं सुनील भाई, देखिए गाँव से मत निकलवाइएगा। लेकिन हम तो सुने हैं कि लक्ष्मण बहुत हंगामा किया है पुलिस थाना में। अब पुलिस को पूरा शक है कि लक्ष्मण ने ना अपना बेटी को कहीं भेज दिया है, नहीं तो बेच दिया है। अब बैठ के नाटक कर रहा है। अब देखिए, अब आप कह रहे हैं ना तो ना कुछ सुनेंगे ना कुछ बोलेंगे, अपना कान और मुंह दोनों बंद कर लेंगे। हाँ चलो निकलो। सरपंच जी, हमने दुर्गा की फोटो हर जगह भेजी है लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं आई हमारे पास। और आप लोग लक्ष्मण पर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि उसी ने अपनी बच्ची को कहीं भेज दिया होगा? अब आप ही सोचिए, एक लड़की स्कूल से निकलती है, गांव के रास्ते तक आती है लेकिन वो घर नहीं पहुंचती, ना ही किसी के साथ उसकी कोई दुश्मनी है और ना कोई ऐसी बात जो किसी और की तरफ इशारा करे, तो जाहिर है कोई जान पहचान वाला ही होगा। जोर जबरदस्ती हुई होती या कुछ गलत हुआ होता तो आज एक महीने बाद भी दुर्गा के बारे में क्या हमें कुछ पता नहीं चलता? गांव की बच्ची है, ऐसा तो है नहीं कि जमीन खा गई या आसमान निकल गया उसको। रोज की तरह स्कूल गई, दोपहर को उसकी बस छूट गई। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है पर ये बच्ची घर नहीं लौटी। ढूंढिए इंस्पेक्टर साहब, ढूंढिए। बिल्कुल सरपंच जी, हमने उसे ढूंढना बंद नहीं किया है, हमारी तलाश जारी है। जाओ सो जाके। इतनी देर रात कहाँ था? सहराबाद गए थे बाबूजी, कुछ काम था। क्या काम था? था इसे कुछ काम था। तू क्या सोचता है सुनील, तू रोज देर रात घर आएगा, तेरी माँ चुपके से दरवाजा खोलेगी और हमको पता नहीं लगेगा? इसने खाना नहीं खाया होगा। तुम चुप रहो। 13 अक्टूबर को कहाँ था? वो हम कुछ काम के लिए गए थे। क्या काम? बोला ना बाबू जी, कुछ काम के लिए गए थे। अब तुमसे ऐसे पूछताछ करो जैसे पुलिस वाले। एक जी छोड़ दीजिए। अरे एक जी छोड़ दीजिए। मेरे को नहीं, तूने तो कुछ नहीं किया दुर्गा के साथ। दिमाग खराब है क्या बाबूजी?
साहराबाद क्या कंडे जाता है सब पता चलता है हमको। इसका मतलब हम वो दुर्गा के साथ, वो दुर्गा के साथ। सुनील, हमने कुछ सवाल पूछा है, उसका जवाब चाहिए हमें। हम आपके बेटे हैं बाबू जी, आपके। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? वक्त यूं ही बीतता गया पर दुर्गा की अभी तक कोई खबर नहीं आई। दुर्गा के पिता लक्ष्मण बार बार पुलिस के पास जाते रहे और अपनी बेटी दुर्गा के बारे में पूछते रहे, लेकिन हर बार निराश ही लौटे। एक वक्त के बाद लक्ष्मण ने भी पुलिस स्टेशन आकर अपनी बेटी के बारे में पूछना छोड़ दिया। धीरे धीरे 10 साल की दुर्गा को सब भूल गए, यहां तक कि पुलिस भी। पुलिस के लिए दुर्गा का गायब होना एक अनसुलझा मिसिंग केस बनकर रह गया था। ये सभी को पता था कि दुर्गा गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर गई थी, लेकिन उस रास्ते से वो कहां गायब हो गई इसका पता किसी को नहीं चल पा रहा था। महीने बीतते बीतते साल में बदल गए और अब दुर्गा करिया को कोई भी नहीं ढूंढ रहा था। दुर्गा का जन्म विलासपुर गांव में हुआ था और वो उसी विलासपुर गांव से लापता हुई थी, लेकिन दुर्गा के लापता होने की घटना ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया और गांव वालों और पुलिस के लिए फिर से एक नई चुनौती उभर कर सामने आई। 3 साल बाद, साल 2019 में। बस निकल गई क्या? अभी 10 मिनट पहले निकली है बेटा, देर हो गई तुमको। बरखा रेवाड़ी, वही स्कूल, वही घटना। बरखा स्कूल से देर से निकलती है और उसकी भी बस छूट जाती है। बरखा के साथ ये 14 सितंबर 2019 को हुआ, ठीक उसी तरह जैसे दुर्गा के साथ 3 साल पहले हुआ था। ये इस केस में इकलौता इत्तेफाक नहीं था। हाँ साहब, देखे थे हम बरखा रेवाड़ी को, वो गांव के रास्ते से चल के जा रही थी, शायद उसकी बस छूट गई थी। बस छूट गई थी इसलिए पैदल आ रही थी, पता नहीं क्या हुआ होगा, भटक गई होगी बेचारी, गांव में सब ढूंढ रहे हैं। ऐसे कहां चली गई होगी हमारी बेटी? इस बच्ची को जानते हो? हाँ साहब, इस लड़की को हम रोज देखते हैं, यही बस स्टैंड पर आती है। सायराबाद से बस आने वाली जो बिलासपुर जाती है उसी बस में ये भी जाती है सर। कल ये बच्ची बस के लिए लेट हो गई थी क्या? हाँ साहब, फिर ये पैदल निकल गई। वो क्या ना साहब, बिलासपुर होकर जाने वाली एक ही बस है जो यहाँ 1:45 को आती है, सारे बच्चे इसी से निकल जाते हैं और जिनकी बस छूटती है वो पैदल चले जाते हैं। सर 3 बार पूरा एरिया छान मार लिया लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला, ना ही बरखा रेवाड़ी का बैग और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे कुछ आइडेंटिफाई कर सके। गीता, उस रोड पे कोई रेडी वाला या दुकान वाला नहीं है जो कुछ बता सके? नहीं सर, बस बिलासपुर गांव के एंट्री पॉइंट पे ये मुकेश चाय वाले की दुकान है और भजन सर ने उससे भी बात की थी। अनिल, हम लोग तुरंत ये फोटो सब जगह भेजेंगे, सब जगह बरखा की तलाश करेंगे। आप लोग फिक्र मत कीजिए, बरखा को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम। दुर्गा कभी नहीं लौटी साहब, 3 साल हो गए अब तक नहीं लौटी। हमें पता है अनिल, अभी कांस्टेबल ने मुझे उस केस के बारे में बताया। वो जो मुकेश चाय वाला है
उसने उस वक्त भी कहा था कि उसने दुर्गा को देखा था और आज भी वो वही कह रहा है कि उसने बड़का को देखा है। हमें तो इस चाय वाले लोकेश पे ही शक है और वो ठेकेदार लोकेश दोनों ही बड़े अच्छे दोस्त हैं साथ। आप फिक्र मत कीजिए, बड़का को ढूंढने के लिए हम वो सब कुछ करेंगे जिसकी जरूरत पड़ेगी। गलती की है साहब, दुर्गा के वक्त भी और बड़का के वक्त भी नहीं बोलना चाहिए था हमको, कुछ मुंह बंद रखना चाहिए था। तो क्या सोचता मुकेश, बिना पूछताछ के तुझे छोड़ देते? नहीं भी मुंह खोलता तो तोड़ के अंदर से निकलवाते सब कुछ। क्या निकलवाते साहब, कि लड़कियों को हम गायब कर रहे हैं, साहब ईमानदारी से धंधा करते हैं, चाय बेचते हैं। देखे हम बड़का को गांव की तरफ जाते हुए तो बता दिए ईमानदारी से। ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि लोकेश के साथ मिलकर हम कुछ कर रहे हैं लड़कियों के साथ, ये सरासर गलत है। हाँ, लोकेश हमारा दोस्त है, उसका अपना काम, हमारा अपना काम। सब पिछली बार भी हम पे ही जाम थोपा था इन लोगों ने। साहब हम कोई लड़कियों की तस्करी नहीं करते हैं, हम मजदूर कॉन्ट्रैक्टर हैं साहब। अरे हमारी बात, शहर में लोगों को मजदूरी का काम दिलवाते हैं साहब, हमको कहाँ ले जा रहे हो? अरे हमने कुछ नहीं किया है। आप शक के बिना पर हमें यहाँ उठा लाए, वहाँ गाँव में लोग हमें ही गुनहगार मानेंगे। सच बता, बरखा और 3 साल पहले वो बच्ची दुर्गा मेन रोड से गांव की तरफ आए थे? आए थे साहब, आए थे। हमारी दुकान वहीं पर है, इसलिए नजर चली जाती है। उस दिन भी चली गई थी। सब जानते हैं साहब, एक ही बस चलती है गांव से शहर के बीच। स्कूल के बच्चे बस छूट जाने पर अक्सर पैदल ही आते जाते हैं। हम सिर्फ उन लोगों को लेके जाते हैं जिनको काम की आवश्यकता है, जो शहर में रह के काम करना चाहते हैं। हम जबरदस्ती किसी को नहीं ले जाते हैं। कहां लेकर जाता है लोकेश? ये ले, इसमें उन सभी लोगों का नाम लिख जिन्हें तू गांव से बाहर लेकर जाता है, और ये भी लिख कि उन्हें क्या काम पे करवाता है और कहां पे करवाता है। अब सब अलग अलग है साहब, अब किसी को फैक्ट्री में लगा दिया, किसी को कंस्ट्रक्शन साइट में, कॉन्ट्रैक्टर हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा था जितना लोग इस सुपरवाइजर है ना, फोन करके पूछ लीजिए। इसलिए तो कह रहा हूँ कि सबका नाम लिख और सबका मोबाइल नंबर भी लिख। भूपेन, तुम्हें 3 साल पहले इस दुर्गा का कभी कोई सुराग मिला था? नहीं हरीश, कोई सुराग नहीं मिला। जिस लोकेश और मुकेश से तुम अभी सवाल पूछ रहे, इन दोनों से मैंने तब भी सख्ती से पूछा। देख लो, अगर तुम ये पता कर पाओ कि ये लोकेश शहर में लोगों से कहां काम करवाता है, तो शायद तुम्हें कोई लीड मिल जाए। मुझे पूरा यकीन है उस वक्त तुम्हारा शक भी दुर्गा के पिता पर गया होगा। हाँ, शक तो था उस पर, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं थे उसके खिलाफ कि उसने खुद कुछ किया हो। पर ये निश्चित रूप से कोई जानने वाला ही था जो दुर्गा को उठा ले गया या उसके साथ कुछ गलत किया। इन दोनों केसेस में एक जैसे कई सारे इत्तेफाक हैं। सच कहूं तो विलासपुर छोड़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उस गांव के अंदर ही कुछ है। कुछ जैसे? एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ काला जादू वगैरह, मैं नहीं जानता। शायद वो लड़कियां खुद से ही भाग गई। आपकी हिम्मत कैसे हुई इतने सालों बाद हमसे यह पूछने की कि हमारी दुर्गा हमें कहीं से फोन किया नहीं? आपको क्या लगता है कि वो अपने आप भाग गई? 10 साल की बच्ची किसी साथ भागे और काहे भागे? लेकिन आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें ये समझाने के लिए कि हमारी बेटी खुद ही कहीं चली गई। ऊपर से आप लोगों को लगता है कि हमने उसे कहीं भेज दिया। देखो लक्ष्मण और राधा, अभी तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। बरखा भी गायब हुई, ठीक वैसे ही जैसे आपकी बेटी दुर्गा गायब हुई। वैसे ही गायब हुई है? इसका क्या मतलब? मतलब एक ही है कि अगर हमारी बेटी दुर्गा मिल गई होती ना, तो यह बरखा के साथ नहीं हुआ होता। क्या कहते हो? अगर दुर्गा मिल गई होती तो बरखा के साथ ऐसा नहीं होता। और नहीं तो क्या, जब एक और बच्ची गायब हुई तब आपको हमारी बेटी याद आ रही है? हम कुछ नहीं जानते हैं और हमें जानना भी नहीं है। माफ कीजिए, हम लोग अब मान चुके हैं कि हमारी बेटी अब कभी नहीं मिलेगी। लक्ष्मण करिया और राधा करिया की आप लोगों से कोई दुश्मनी है? ऐसी दुश्मनी साहब, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि जब दुर्गा खोई थी तो हम भी उनके साथ हर जगह खोजने जाते। दुर्गा को ढूंढने के लिए हर कदम पर हम उनके साथ खड़े थे साहब। एक बात बताइए, जब बरखा सुबह स्कूल के लिए घर से निकली तब सब कुछ ठीक था? हाँ साहब,
सब कुछ ठीक था, हर रोज की तरह। माँ बाबा हम निकल रहे हैं। हाँ आज तो हमारे बस छूट ही जाता सपना, घड़ी 5 मिनट देर से चल रहा है और हमको अब पता चल रहा है। हम तो अपनी घड़ी 5 मिनट आगे करके ही रखते हैं। बस ऐसे ही इधर उधर की बातें हुई थी बरखा से। सपना ठीक से याद करो, पिछले कुछ दिनों में बरखा ने तुम्हें ऐसा कुछ बताया हो, कुछ भी जो अटपटा लगा हो। क्या उसने तुम्हें कभी ये बताया था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं बताया बरखा ने। देखिए मैडम, हम स्टूडेंट से इतना ओपनली बात नहीं कर सकते। हमने क्लास टीचर से कहा है वो बात करेंगे, लेकिन आप बॉयफ्रेंड की बात कैसे कर रही है? बरखा अभी 13 साल की है। एक एंगल ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद किसी के साथ भाग गई हो। बरखा की क्लास का ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो एब्सेंट हो या क्लास में नहीं आ रहा हो, ना इसके अलावा कोई ऐसे और बात है। और अगर आपका इशारा है कि कोई बॉयफ्रेंड है तो माफ कीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, पिछली बार भी आपके थाने से कुछ पुलिस वाले आए थे, दुर्गा के बारे में इसी तरीके की इंक्वायरी कर रहे थे। एक 10 साल की बच्ची का बॉयफ्रेंड? शालिनी जी, ये जरूरी नहीं है कि बॉयफ्रेंड ही हो। हो सकता है कोई और है जो लड़कियों को किसी चीज का लालच देकर बहला फुसला कर फंसा रहा हो, तस्करी का मामला हो सकता है। ये पता लगाना आपका काम है। 3 साल में 2 लड़कियां एक तरह से गायब हो गई, इसका जवाब आप ढूंढिए। बरखा ने कभी घर छोड़कर जाने की बात की थी या कभी कोई झगड़ा? आप फिर से इसी बात पर आ रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं हो रहा था सर, बरखा स्कूल जाती थी, स्कूल से आने के बाद हमारे साथ खेत में काम करती थी और शाम को अपनी पढ़ाई कर लेती थी। और सब वो किस लिए भागेगी, किसके साथ और क्यों भागेगी? देखिए मुझे मालूम है ये आप लोगों के लिए आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बरखा ने कभी किसी लड़के का जिक्र किया था? कमाल करते हैं साहब आप, क्या बहुत कुछ बुरा हमारे बच्चों के साथ हो रहा है और आप एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या कोई लड़का था क्या जिसके साथ वो भाग सकती है? अरे साहब देखिए, आपने दुर्गा को तो खोजने की कोशिश नहीं की, ना ही आप बरखा को खोजने की कोशिश करेंगे, और फिर आके हमसे कह देंगे आप कि बरखा अपनी मर्जी से भाग गई। हम ऐसे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे अनिल, पर हर वो सवाल जो पूछना चाहिए वो पूछेंगे जरूर। हमें भी अजीब लग रहा है कि आपकी बेटी बरखा और पहले दुर्गा इस तरह से स्कूल से चलकर घर आ रहे थे और अचानक गायब हो गए। कोई तो है, वो चाहे गांव का हो चाहे गांव के बाहर का, जो भी हो वो गलत इरादे से बच्चियों को निशाना बना रहा है। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं, आपको किसी पर शक है? साहब हमारी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं, फिर क्या बताएं हम? सरपंच जी कहां मिलेंगे? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस गांव में किसका प्रकोप पड़ा है? प्रकोप का छोड़िए सरपंच जी, ये बताइए कि गांव में कोई ऐसा है जो लड़कियों को गायब करके इनके परिवार वालों के साथ दुश्मनी निकाल रहा हूं? अगर ये पता होता कि कोई गांव का ही है तो घसीटकर आपके थाने में नहीं ला दिया होता। बरखा के माता पिता अनिल और उर्मिला रेवारी, क्या इनका दुर्गा के माता पिता लक्ष्मण और राधा के साथ कोई दुश्मनी थी? इनकी बेटी भी तो ऐसी गायब हुई थी ना। काहे की दुश्मनी, दोनों मजदूर परिवार है, एक दूसरे पर ऐसा जुल्म थोड़े करेंगे। सरपंच जी मैंने लक्ष्मण करिया से बात की थी, उसने कहा था कि अगर दुर्गा मिल गई होती तो बरखा के साथ ऐसा नहीं होता। उसके स्वभाव से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद किसी से बदला लेना चाहता। काहे का बदला, लक्ष्मण और उसकी पत्नी राधा दोनों तो बेटी दुर्गा के खोने के गम में टूट चुके हैं। ठीक है, फिलहाल इस गाँव में हम सभी को संदिग्ध मान के चल रहे हैं, क्या आपकी नजरों में भी कोई संदिग्ध है? अगर हमें कुछ पता होता तो सामने से आकर बताते, लेकिन ये लोकेश है ना, इसके ऊपर गांव वाले शक करते आए। पर आपसे पहले जो पुलिस वाले थे वो भूपेन जी, वो तो कह के चले गए, लोकेश की छानबीन में उनको कुछ नहीं मिला। एक प्राइवेट वाली है सुनील भाई, थोड़ा ज्यादा लेगी लेकिन दिल खुश कर देगी एकदम, सेटिस्फाइड। हाँ यही सहराबाद में अपने घर पे, इसका पति बाहर जाता रहता है। चलेगी 2,500, लेकिन दिल खुश कर देगी, गारंटी हमारी है।
बहुत अग्रवाल से प्रोग्राम। गांव का एंट्री पॉइंट है और ये मुकेश चाय वाले की दुकान। लगभग 1.5 किलोमीटर तक इस सुनसान रास्ते पर ना कोई दुकान है ना ही कोई घर, दोनों तरफ बस झाड़ी। 1.5 किलोमीटर बाद एक किराने की दुकान है। दुर्गा और बरखा इन दोनों केसेस में सिर्फ मुकेश चाय वाले ने ही उन्हें गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ते हुए देखा था, पर जब मैंने किराने वाले से बात की तो उसने कहा कि उसने दोनों में से किसी को नहीं देखा। किसे देखा है तुमने? जी हाँ मैडम, हम जानते हैं इसको। ये तो बरखा है, अनिल भाई और उर्मिला बहन की बेटी। तुमने बरखा को 14 सितंबर को यहाँ से पैदल जाते हुए देखा था? जी नहीं मैडम, नहीं देखा। गांव वाले भी यही पूछ रहे थे। ये दुर्गा, इसे भी नहीं देखा था तुमने 3 साल पहले? जी नहीं मैडम, हम नहीं देखे। ये लड़कियाँ इस रास्ते से गायब कहाँ हो सकती है? अब इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं मैडम? गाँव से काफी लोग तुमसे सामान लेते होंगे ना? जी मैडम लेते हैं। उधर ही देते हो? जी हाँ। पूरा नाम क्या बताया? अमित जुगल। अच्छा, तो ये दोनों लड़कियाँ बरखा और दुर्गा भी तुम्हें अच्छे से जानती होंगी? चॉकलेट या फिर कोई और खाने की चीज लेने के लिए आती होंगी यार? जी हाँ बिल्कुल, हमारी दुकान पे सभी लोग आते हैं। जिस तरह वो हमको जानते हैं वैसे ही हम भी उनको जानते हैं। ये एक पगडंडी है जहाँ से शायद ही कोई बाइक वाला आ जा सकता है, और वहीं से 500 मीटर पर एक और पगडंडी है जो बाएं ओर जाती है। इन दोनों लड़कियों के साथ कुछ तो जरूर हुआ होगा जो दुर्गा अक्टूबर 2016 और बरखा सितंबर 2019 में इस तरह से गायब हो गई। कुछ समानता तो जरूर होगी इन दोनों लड़कियों में, या फिर इनके परिवार वालों में। भजन, तुमने दोनों परिवारों से बात की थी? जी, लेकिन किसी ने भी आपसी रंजिश और दुश्मनी से इनकार किया है। अपहरण? मानव तस्करी के लिए अपहरण किया होगा? नहीं, हमने लोकेश की अच्छी तरह से तफ्तीश की है। लोकेश एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है और जहाँ जहाँ लोकेश ने लेबर्स भेजे हैं मैंने उन सभी कॉन्ट्रैक्टर से बात की है। यहाँ तक कि अपने एक आदमी को भेजा है वहाँ पे चेक करने के लिए। सर कहीं भी बाल मजदूरी नहीं हो रही। एक बहुत ही खास बात है इसमें, दुर्गा 2016 और बरखा 2019। ऐसा नहीं है कि गांव की तरफ जाने वाले इस रास्ते से 2016 से 2019 के बीच इन 3 सालों में और बच्चे और बच्चियां ना गुजरे हो और सही सलामत अपने घर ना पहुंचे। इस बारे में मैंने गांव वालों से बात की है। उनका कहना है कि ऐसा कई बार हुआ है कि उनके भी बच्चों की बस छूट गई है, लेकिन सभी बच्चे सही सलामत घर वापस आ गए। तो फिर यही दोनों लड़कियां दुर्गा 2016 और बरखा 2019 में क्यों गायब हुई? सिर्फ इन्हीं दोनों को निशाना क्यों बनाया गया? ऐसी कौन सी बात है इन दोनों में? कुछ तो है जो इन दोनों लड़कियों से जुड़ा है, इनके परिवार, इनके माता पिता। समय दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई है जिसने और भी लड़कियों के साथ अपनी किस्मत आजमाई होगी। तुम्हारा मतलब है सेक्सुअल असॉल्ट? हाँ, बेहतर जिंदगी या और पैसों का लालच देकर किसी ने उन्हें गंदी नीयत से फंसाया होगा। सर ये लड़कियां बहुत ही गरीब परिवार से, गांव के सरपंच और उसके बेटे सुनील के अलावा किसी के पास स्मार्टफोन तक नहीं है। बहुत सी लड़कियों को लालच दिया होगा, लेकिन सिर्फ ये दो लड़कियां ही उस आदमी के जाल में फंसकर उसके साथ चली गई होंगी। गीता, तुम्हें स्कूल के आसपास ऐसा कोई मिला जो लड़कियों पर नजर रख रहा हो, उन्हें अपना शिकार बनाने की फिराक में हो?
स्कूल के आसपास तो ऐसा कोई नजर नहीं आया। हो सकता है गांव का कोई हो जो इन लड़कियों को फंसाने के लिए किसी बाहर वाले की मदद कर रहा हो। अरे बढ़िया पैसा मिलेगा और साथ में रहना खाना पीना सब एकदम ठाट से होगा। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, अरे तुम बात तो सुनो, हमारे गांव में नहीं हमारे गांव के बाहर। अरे सारा बात में नहीं तो कहीं बाहर इंतजाम करा देंगे। गीता तुम ज्यादा सोच रही हो, इस बात में बहुत सारे इत्तेफाक हैं। ये दुर्गा और बरखा उस दिन भी वैसे ही स्कूल गई थी जैसे कि हमेशा जाती थी। थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि इन दोनों बच्चियों को किसी ने लालच दिया, तो फिर ये दोनों बच्चियां ठीक उसी दिन क्यों गायब हुई जिस दिन इनकी बस छूट गई? और इनकी बस तो गलती से छूटी थी क्योंकि स्कूल में देर हो गई थी। सर वहां कोई प्लानिंग नहीं थी, मैंने गोले वाले से भी बात की थी। हाँ साहब, इस लड़के को हम रोज देखते हैं, यही बस स्टैंड पर आती है। कल ये बच्ची बस के लिए लेट हो गई थी क्या? हाँ साहब, फिर ये पैदल निकल गई। अगर किसी को घर से भागना होता है तो वो घर से प्लानिंग करके निकलता है, ऐसा नहीं कि जिस दिन बस छूट जाती है सोचा चलो उसी दिन चले जाते हैं। सर ये बात कुछ बैठ नहीं रही है। फिर हो क्या रहा है इस मामले में, सिर्फ यही दो लड़कियां क्यों? स्कूल की प्रिंसिपल शालिनी जी। जी शालिनी जी। बरखा की सहेली सपना ने हमें अभी अभी आकर कुछ बताया। क्या बताया शालिनी जी? सपना बता रही है कि बरखा कुछ महीनों से उदास थी जब से अवंतिका चली गई है। अवंतिका? अब ये कौन है और कहाँ चली गई? अवंतिका भी बिलासपुर की रहने वाली है, हमारे ही स्कूल में पढ़ती थी। 12 की स्टूडेंट है लेकिन फरवरी से उसने स्कूल आना ही बंद कर दिया जबकि उसके एग्जाम्स होने वाले थे। अवंतिका चोरी? लेकिन वो गई कहाँ? हमें सिर्फ इतना मालूम है कि उसने पढ़ाई छोड़ दी। अवंतिका चोरी लता चोरी और विनायक चोरी की बेटी थी। लता चोरी और विनायक चोरी दुर्गा और बरखा के माता पिता की तरह ही खेतों में मजदूरी का काम किया करते थे। कहाँ थी अवंतिका चोरी और ऐसी क्या बात थी जो अवंतिका के दूर जाने के बाद बरखा उदास रहने लगी? बरखा और अवंतिका खास दोस्त थे। बरखा इसीलिए थोड़ी उदास रहती थी क्योंकि अवंतिका उसे बिना कुछ बताए चली गई थी। बरखा, बरखा जल्दी कर, स्कूल की बस निकल जाएगी। ए बरखा जल्दी आ बेटा। आ रहे हैं। क्या है? जल्दी करना यार, इतना देर में तो बस नहीं निकल जाएगी। चल चल, बैग तो लेने देती, प्लीज तू जल्दी कर। सपना बेटा, अवंतिका कहाँ गई थी? अपने नानी के यहाँ। हमारी अम्मा की तबीयत खराब रहती है, अम्मा बोली अवंतिका को भेज दो तो हम भेज दिए। फरवरी के महीने में जब उसकी 12वीं की परीक्षा होने वाली थी तब? सब अवंतिका का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो खुद बोली कि नानी के पास जाके रहेंगी। हमें भी यही ठीक लगा, 12वीं तक तो पढ़ ली, अब क्या करेगी, खेत में काम करेगी, एक दो साल में लड़का देख के अच्छा शादी कर देंगे। लेकिन साहब आप क्यों पूछ रहे हैं सब? अवंतिका और बरखा अच्छी दोस्त हैं, है ना? हाँ। अवंतिका की नानी वो कहाँ रहती है? सांपुर। 14 सितंबर को भी बरखा ने बस में हमसे अवंतिका के बारे में बात की थी। बरखा उस दिन लेट हो गई थी। हम तो अपनी घड़ी 5 मिनट आगे करके ही रखते हैं। हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। पता है पहले हमको कभी देरी ही नहीं होता था, अवंतिका हमेशा टाइम से पहले पहुंच जाती थी हमको घर से बाहर सही टाइम पर निकालने के लिए। तुम्हारा बात हुआ अवंतिका से? नहीं ना, कहाँ, सोच रहे हैं जाके उससे मिल ले, एक दिन स्कूल के बाद जाकर मिलाएंगे। सर शामपुर बताया था अवंतिका की माँ ने, एड्रेस भी दे दिया लेकिन फोन ना तो अवंतिका के पास है और ना ही उसकी नानी के पास। हम वहाँ चल के उससे बात करते हैं, शायद उसे बरखा के बारे में कुछ पता हो। पुलिस की टीम अवंतिका से मिलने के लिए तुरंत शामपुर गांव के लिए निकल गई। दुर्गा करिया का गायब होना 2016 में, बरखा रेवाड़ी का गायब होना अभी हाल ही में 2019 में। क्या इन दो मिसिंग केसेस को सुलझाने के तार अवंतिका चोरी से जुड़े हुए थे? पुष्पा देवी जी। हाँ। आप विलासपुर में रह रही लता चोरी की माँ है ना, अवंतिका चोरी की नानी जी?
क्यों? आप ये क्यों पूछ रही हैं? अवंतिका चोरी कहाँ है अभी? वो तो यहाँ नहीं है। यहाँ कब आई वो? लता ने हमें बताया था कि फरवरी महीने से आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए उन्होंने अवंतिका को आपके पास आपके देखभाल के लिए भेजा था। नहीं, मतलब अवंतिका यहाँ पे आई नहीं? नहीं, और हमारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। लता ने और विनायक ने अवंतिका को यहाँ नहीं भेजा, और अगर भेजा भी होता तो वो इतने महीने से यहाँ रहती? हमने अवंतिका बिटिया के बारे में लता से पूछा था, और उसने कहा कि वो सायराबाद में किसी कॉलेज में पढ़ रही है। तो तू क्या करने वाली है अवंतिका? भाग जाएगी क्या? इस बारे में कुछ नहीं सोचा है वर्खा। अगर भागने वाली है तो तू जाएगी कहाँ? हम इस बारे में अभी कुछ भी नहीं सोचे हैं बरका। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि अवंतिका अपने 12th के एग्जाम्स देना नहीं चाहती थी। वो भला ऐसा क्यों करेगी? वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है। 10th स्टैंडर्ड में 80% से ज्यादा मार्क्स लेकर आई थी। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसके माता पिता ऐसा कहेंगे कि अवंतिका का पढ़ने में मन नहीं था। देखिए, हम उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं कर सकते, उनका व्यक्तिगत मामला है। क्योंकि हमसे बोला गया था कि वो अपनी बीमार नानी के पास गई है, आप कह रहे हैं कि वो वहाँ नहीं है। ये बड़ा अजीब लग रहा है, आखिर अवंतिका है कहाँ? ठीक है शालिनी जी, हम अवंतिका के पेरेंट्स से पूछताछ करते हैं ये जानने के लिए कि अवंतिका है कहाँ। इस विनायक चोरी और लता चोरी को कस्टडी में लेकर पूछताछ करते हैं, सर बहुत ज्यादा चांसेस है कि अवंतिका भी मिसिंग हो। सर मुझे लग रहा है कि अवंतिका और बरखा का मिसिंग होना, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हो सकती और ये दुर्गा के लापता होने से भी जुड़ा होगा। पुलिस को हम सब सच सच बता देंगे। सच? पर क्या वो हमारी बात का विश्वास करेंगे? क्या अवंतिका चूरी का गायब होना या उसकी गैर मौजूदगी इस बात का इशारा कर रही थी कि दुर्गा कारिया और बरखा रेवाड़ी के गायब होने की घटनाओं का अवंतिका के साथ कोई संबंध था? तब जब अवंतिका ना बिलासपुर में थी ना स्कूल जाती थी। अब सवाल यह है कि अवंतिका आखिर थी कहां? बहुत खूबसूरत लग रही हो अवंतिका, बहुत खूबसूरत। रूपा मोदक, उम्र 23 साल। साल 2017 में रूपा मोदक की हत्या हुई थी। रूपा मोदक की हत्या का संबंध बिलासपुर गांव में जो कुछ भी घटित हो रहा था उससे जुड़ा हुआ था। इन सारी घटनाओं में संबंध क्या था? अगर अवंतिका अपनी नानी क्या नहीं थी तो वो कहां थी? अवंतिका कहां मिली? दुर्गा और बरखा के केसेस में उसकी क्या भूमिका रही? क्या दुर्गा और बरखा भी कहीं और मिलेंगी? अवंतिका के माता पिता क्या छुपा रहे थे? दुर्गा, अवंतिका और बरखा को चाय वाले मुकेश ने गांव की तरफ जाते हुए देखा था, लेकिन किराने वाले अमित जुगल ने उन्हें गांव की तरफ आते हुए नहीं देखा था। तो आखिर ये तीनों लड़कियां गई कहां थी? बहुत सारे सवाल हैं, और इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। जय।